हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आप लोग यहां पे आते हैं विजिट वीजा में जॉब सर्च करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहां पे आके इंटरव्यूज वगैरह देते हैं, जॉब खोजते हैं, अप्लाई करते हैं, वहां तक ठीक है। विजिट वीजा में हम जॉब सर्च कर सकते हैं, इंटरव्यूज देने जा सकते हैं, कुछ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया वो सारी चीजें कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपकी जॉब जब लग जाती है उसके बाद कंपनी बोलती है ठीक है, आपका विजिट वीजा कंप्लीट होने दीजिए, उसके आगे हम लोग वर्क वीजा लगा देंगे, वहां तक भी ठीक है। लेकिन कंपनी अगर आपका वर्क वीजा नहीं लगाती है, विजिट वीजा को ही एक्सटेंड करती है या विजिट वीजा को भी एक्सटेंड नहीं करती है, तो यहाँ पे गलती आपकी है, आप इलीगल काम कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनी को बोलने वाला कोई भी नहीं है, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम फेस करना होगा आपको करना होगा। इसलिए स्पेशली अभी इस समय क्या है, देखिए एक महीने का 60 डेज का वीजा अवेलेबल इसलिए कराया गया है ताकि विजिट का पर्पस सिर्फ विजिट रहे, उससे ज्यादा ना बढ़े। यानी कि विजिट वीजा में काम करना बहुत ही ज्यादा इलीगल है और इसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। नए नए वीजा आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं ताकि जो लोग इलीगल काम कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो मैं बोलूंगी अक्टूबर नवंबर अभी जो लोग आ रहे हैं, जॉब ज्वाइन कर चुके हैं और विजिट वीजा में काम कर रहे हैं, प्लीज आप लोग अपनी कंपनी को बार बार बोलिए कि आपका वर्क वीजा लगा दे। विजिट वीजा में बिल्कुल भी काम मत कीजिए। विजिट वीजा भी अगर आपका एक्सटेंड नहीं करती है, आप भी एक्सटेंड नहीं करवाते हैं, तो विजिट वीजा का जो ओवरस्टे फाइन आएगा वो आपको ही पे करना होगा, आपकी कंपनी इसमें कोई भी, क्योंकि विजिट वीजा में काम करना इलीगल है, आपने इलीगल काम किया है ना कि आपकी कंपनी में, आप ऐसा सोच के चलिए, ठीक है। तो जितना भी सफर आपको करना होगा वो आपको ही करना होगा, ओवरस्टे फाइन हो, यहाँ पे ओवरस्टे है आप, चाहे जो भी है इलीगल काम के लिए आपको फाइन पड़े, जो भी पड़े वो आपको ही बेयर करना है, ना कि आपके कंपनी को, आपको ही देना है, आपको ही पनिशमेंट मिलेगी या फिर आपको ही यहाँ से भगा दिया जाएगा, जो भी होगा आपके साथ होगा। इसलिए इस समय पे, स्पेशली इस टाइम पे मैं बार बार बोल रही हूँ, इस समय विजिट वीजा में बिल्कुल भी काम मत कीजिए, कंपनी को बार बार फोर्स कीजिए कि आपका वर्क वीजा लगा दे। इसके लिए अगर मैं पर्सनली ये बोलूंगी, जो कि लीगल नहीं है, कंपनी अगर आपसे 1000 दिरहम 2000 दिरहम लेती है वर्क वीजा का, तो भी आप दे के वर्क वीजा लगवा लीजिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत लोगों को ये पता है कि कंपनी ही वर्क वीजा का पूरा खर्चा देती है, ठीक है, लीगल है, कंपनी आपका पूरा वर्क वीजा का पैसा देगी, यानी कि आपका एक भी खर्चा नहीं होगा दुबई का वर्क वीजा के लिए। लेकिन जिनको जॉब्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जॉब नहीं छोड़ सकते, एक जॉब मिल गई है दूसरी जॉब पे नहीं जा सकते, वो लोग कुछ अमाउंट पे करके भी अपना वर्क वीजा कंपनी के थ्रू लगवा लीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो, आपके ऊपर किसी भी तरीके का फाइन ना हो, किसी भी तरीके का बैन ना हो, या फिर आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे ना हो, ठीक है। तो गाइज, आई होप इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।